What is up everybody, Shilendra here, back with another video. और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार, खतरनाक, कातिल, सेक्सी, खतरनाक चीज की. वो दोस्तों चीज करेंगे, हम करेंगे एक पीसी बिल्ड 20,000 रुपीज के अंदर, जो कि होने वाला है बहुत ही खतरनाक पीसी बिल्ड, बहुत ही एक गेमिंग पीसी बिल्ड, जो कि आपको बहुत ही प्लेएबल फ्रेम रेट्स पे आपके गेम्स चला के देगा और बहुत ही बढ़िया पीसी बिल्ड होने वाला है. 20,000 रुपए के अंदर आज तक ऐसा पीसी बिल्ड कहीं नहीं हुआ दोस्तों. ऐसा मैं करने वाला हूँ आज आपके सामने, आपके अंतर्गत, आपकी छवि के आधारित पे. क्या बोल रहा हूँ यार मैं. तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताना यार वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी. चलो आगे बढ़ते हैं अब वीडियो में. पहले लेकिन सब्सक्राइब कर देना जरूर से जरूर, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना यार तो मजा नहीं आएगा यार पीसी बनाने, मजा किरकिरा हो जाए कति. तो दोस्तों अब बात करते हैं हम पीसी बिल्ड की. तो दोस्तों सबसे पहले हम सीपीयू पे आते हैं. तो सीपीयू में दोस्तों हमने लिया है ryzen का 2200G, एएमडी ryzen 2200G. ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये अपने इनबिल्ट एक ग्राफिक्स आती है इसके साथ, जो कि होती है वेगा 8 ग्राफिक्स रेडियन की. एएमडी का दोस्तों प्रोसेसर है ryzen 2200G, इसके साथ आती है रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड होती है इसमें. 8 कोर्स जो वेगा ग्राफिक्स के होते हैं वो इस प्रोसेसर में होते हैं. सीपीयू दोस्तों बोलते हैं इसको, नहीं दोस्तों सीपीयू नहीं बोलते दोस्तों, इसको एपीयू बोलते हैं. ryzen जो करते हैं ना इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ जो सीपीयू आते हैं, तो ryzen उनको एपीयू बोलता है. तो दोस्तों ये एपीयू है ryzen का 2200G. दोस्तों बहुत ही बढ़िया जो है ये काम करता है और काफ़ी गेम्स आपके चला देगा बड़ी स्मूथ और प्लेएबल फ्रेम रेट्स पे. दोस्तों मिलता है आपको ये 7,739 रुपये में, 7,749, और बहुत ही बढ़िया मतलब प्रोसेसर है और 4 कोर 4 थ्रेड्स के साथ आता है, 8 जीपीयू कोर्स के साथ आता है. बेस क्लॉक होती है 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की, मैक्स बूस्ट क्लॉक है इसमें 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की, और रेडियन फ्री सिंक टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है एक बजट सीपीयू के लिए. अब बात करते हैं दोस्तों रैम में गए हैं दोस्तों हम बैलिस्टिक्स की स्पॉट LT 4GB इंटू 2 रैम में. 4GB इंटू 2 मतलब मेरा यह है कि 4GB की अपन 2 स्टिक्स लगाएंगे, क्योंकि हमको ड्यूअल चैनल फीचर का फायदा उठाना है. दोस्तों अब बात करते हैं रैम की थोड़ी सी और. दोस्तों रैम मिल जाती है आपको 2400 mAh पे, क्लॉक्ड मिल जाती है 2400 mAh पे, और बहुत ही बढ़िया तीव्रता से काम करती है. 2039 रुपए की है, 2049 एक रैम की स्टिक पड़ेगी आपको 2049. और जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको 2 स्टिक्स खरीदने तो पड़ जाएगा आपको 4118 रुपए. बहुत ही बढ़िया दोस्तों रैम है, चलती है अपने लो बजट में आती है और चलती है एकदम बढ़िया. दोस्तों अब बात करते हैं HDD की. तो दोस्तों HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आप कोई सी भी ले लीजिए, 7200 RPM, 500 GB की. क्योंकि दोस्तों 500 GB से ज़्यादा 1 TB तक आपको जाना है तो चले जाइए, पर मैं रिकमेंड करूँगा बजट के हिसाब से अपने 500 GB में जाइए. कुछ मैं आपको कंपनीज बताता हूँ जो मैं रिकमेंड करता हूँ हार्ड डिस्क लेने के लिए. तो दोस्तों वो पहली कंपनी है WD, बोले तो वेस्टर्न डिजिटल, और दूसरी कंपनी है सियागेट की भी ले सकते हैं आप, वेस्टर्न डिजिटल भी ले सकते हैं, दोनों आपको पड़ जाएंगी 1500 रुपये करीब में 500 GB. दोस्तों अब बात करते हैं PSU की. दोस्तों PSU में कोई भी हमको लोक जोक नहीं करनी चाहिए, हमेशा मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि PSU क्या है ना, आपके PC को पावर देता है. अगर PC में पावर ही ढंग से नहीं आएगी तो PC खाक चलेगा क्या यार आपका. और PSU में थोड़ी सी दिक्कत आने के कारण आपका कंप्यूटर फायर कैच कर सकता है, जिससे कि बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है. अब बात करते हैं PSU की. PSU में हम गए हैं कूलर मास्टर 450 वोल्ट की, वाट की PSU में. तो दोस्तों ये मिल जाती है आपको 2425 रुपए की, 80+ है और वाइट सर्टिफाइड है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इतने कम प्राइस पॉइंट में. अब बात करते हैं दोस्तों अपन मदरबोर्ड की. मदरबोर्ड में हम गए हैं ASRock A320M पे, HDV ASRock A320M HDV पे गए हैं हम. बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है, बहुत ही सस्ते में उपलब्ध है अपने शारीरिक रूप से मार्केट्स में, और आपको ये मिल जाता है अपने 3800 रुपये में, 3800 रुपीज़ में. काफ़ी बाकायदा अच्छे दाम पे आपको ये मिल जाता है मदरबोर्ड, और बहुत ही खतरनाक मदरबोर्ड है. AM4 CPU सॉकेट है इसमें, जो कि आपका ryzen 2200 आराम से
टिका लेगा और ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत ही मेरे को अच्छी बात लगी इस मदरबोर्ड की। इतने सस्ते में मात्र 3000 रुपये में इतना ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट या फिर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें मौजूद आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं पीसी कैबिनेट की, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर की कैबिनेट के अंदर जाती हैं। तो कैबिनेट में हम गए हैं एनटेक के NX100 में, क्योंकि दोस्तों ये जो कैबिनेट है ना, मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट है इसकी विंडो और दोस्तों मात्र अपन को 2000 रुपये में मिल जाता है, 2250 रुपीज़ में आपको ये मिल जाता है एनटेक NX100। दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, फोटो आपके सामने आ रही है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। बस इसमें दिक्कत, एक फ़ैन मिलता है इनबिल्ट आपको, 5 फैन का सपोर्ट मिलता है वैसे, पर जो कैबिनेट के साथ फ़ैन आते हैं वो सिर्फ एक फ़ैन आता है, रियर फ़ैन आता है जो कि। अब बात करते हैं दोस्तों कैबिनेट की, तो दोस्तों मिड टावर कैबिनेट है, मैक्स फैन सपोर्ट बता दिया मैंने 5 है आपको, मैक्स रेडिएटर सपोर्ट है 240 मिलीलीटर का, और ट्रांसपेरेंट साइड पैनल है जो कि बहुत ही बढ़िया एक बात है। अब बात करते हैं दोस्तों केस फैंस की, हमारे पास कमी है तो केस फैंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आपको सर्किल के, आप स्टे कूल 120 mm वाले 2 खरीद लीजिए आप सर्किल स्टे कूल के। दोस्तों RGB के साथ आते हैं ये, ब्लू या फिर रेड आपको कौन सी लेनी है आप ले लो, 419 रुपये में आपको एक मिलेगा सर्किल का स्टे कूल 120 mm वाला केस फैन, इसको आप खरीद सकते हैं। और इसमें दोस्तों क्या है ना, मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, रियर वाला उसका जो लगा लगाएगा कैबिनेट में उसको हटा के आप सर्किल का स्टे कूल डाल लेना और रियर वाले को आप फ्रंट में लगा देना, क्योंकि दोस्तों उससे RGB की आपकी लुकिंग बैठ जाएगी आपके किसमें केस में, आपकी पूरे बिल्ड में RGB बैठ जाएगी और कुछ भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको RGB बिल्ड नहीं चाहिए, पैसे थोड़े और बचाने, तो आप ले सकते हैं माकू दोस्तों गाली नहीं दे रहा, बस तो कंपनी का नाम ही माकू है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, माकू के आप नॉन RGB ले सकते हैं। तो दोस्तों माकू की बात थी, तो माकू के आप 3 ले लीजिए या फिर 2 ले लीजिए, एक पड़ता है आपको 229 रुपये का, पर मैं रिकमेंड करूँगा आपको सर्किल स्टे कूल का ही लेना, क्योंकि भाई जो ये माकू का है तो है गाली भी है एक समान की। और एक बात और है कि दोस्तों इसकी जो रेटिंग्स है ना अमेजोन पर वो थोड़ी कम है, और केस फैन जो सर्किल स्टे कूल का है वो बहुत ही बढ़िया है, और नॉन RGB फैंस भी आते हैं स्टे कूल के प्राइस में ही 419 रुपये का आता है स्टे कूल का। दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आपको स्टे कूल का आप खरीदें। अब बात करते हैं हम टोटल बजट की, हमारा बहुत बजट पहुंच चुका है 22,678 रुपये का, 22,678 रुपीज़ का बैठ चुका है हमारा बजट, बहुत ही बढ़िया 20,000 के अंदर बजट कर लिया हमने, अंतर्गत लिफ्ट आ लिया। अब बात करता हूं दोस्तों गेम्स की, जो सपोर्ट करेगा आपका ये कंप्यूटर, बहुत ही बढ़िया गेम्स चलाएगा आपके कंप्यूटर में, सॉरी आपके कंप्यूटर में ये कंप्यूटर, सही बोल रहा हूँ दोस्तों मैं। अब बता दूँ मैं आपको गेम्स कौन कौन से आप खेल सकते हो प्लेबल फ्रेम रेट्स पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉर्टनाइट खेल सकते हो 60+ FPS में, मीडियम ग्राफिक्स में 720p में आप खेल सकते हो, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको 60+ FPS में देगा आपको 720p में अगर खेलेंगे मीडियम ग्राफिक्स में आप फॉर्टनाइट बैटल रॉयल। उसके बाद करते हैं PUBG बैटल रॉयल की, जो उसमें 720p आप लो ग्राफिक्स में खेलेंगे तो प्लेएबल फ्रेम रेट्स आपको 40 से ऊपर 50 से ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे गेम की, जैसे कि ओवरवॉच हो गया, ओवरवॉच में आप 1080p में खेल सकते हैं, 60 FPS से ऊपर देगा मीडियम या फिर लो ग्राफिक्स में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही प्लेएबल स्मूथ फ्रेम रेट्स में आपका ओवरवॉच चल जाएगा। अब बात करते हैं एक और गेम की जो कि काफी फेमस हो रहा है आजकल, वो है टॉम क्लेंसीज रेनबो सिक्स सीज, और 1080p में 60 FPS पे आप चला सकते हैं इसको, लो ग्राफिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मीडियम ग्राफिक्स में भी चला सकते हैं 60 FPS में, 1080p में आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से चल जाएगा मक्खन स्मूथ। अब बात करते हैं GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 की, GTA 5 की, उसमें 720p में लो से मीडियम ग्राफिक्स में आप चला सकते हैं, 60+ FPS आपको दे देगा, 1080p पे ज़्यादा तो लाएंगे आपको 40-50 FPS के लगभग आपको दे देगा ये कंप्यूटर जो है आपका। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं आपसे कुछ एडिशनल हटके, तो दोस्तों अगले
हफ्ते मेरी भी बिल्ड आ रही है 40,000 वाली, सॉरी 30,000 वाली। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको सिर्फ पबजी खेलना है, क्योंकि दोस्तों पबजी इसमें क्या है ना 30, 40, 50 फ्रेम रेट चलेगा, 60 के ऊपर क्या पता नहीं जाए, जा भी सकता है दोस्तों 50 के ऊपर, 60 के ऊपर तो नहीं जाएगा दोस्तों। तो पबजी आपको सिर्फ खेलना है ना, तो फिर आप 30,000 वाली बिल्ड पर जाएँ, 20,000 वाले पर नहीं जाएँ। मैं रिकमेंड करूँगा आपको अगले हफ्ते जो आ रही है बिल्ड 30,000 वाली पर उस पर जाएँ, आपके मक्खन स्मूथ चलाएगा वो। हाँ तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको बिल्ड अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिए अगर आपको बिल्ड अच्छी लगी, कमेंट कर दीजिए आपको बिल्ड अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दो दोस्तों, बता दो बिल्ड कितनी अच्छी लगी। और कोई क्वेश्चन है आपका, कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, विंडोज कैसे डाले, फलाना टीम का जो भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको 24 घंटे रिप्लाई देने के लिए तत्पर रहूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। लाइक कर दो यार वीडियो को क्योंकि भाई को मजा आ जाता है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को क्योंकि तुम्हारे भाई का ही चैनल है, और कमेंट कर दो यार क्योंकि भाई को मजा आता है, बस भाई को मजा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए यार तुम बताओ। बस बिल्ड आपके लिए मैं बेटर लाता रहूँगा, इससे भी बेटर बिल्ड आएंगी कुछ हफ्तों में, रोज़ एक हफ्ते में मैं रोज बिल्ड मारता हूँ, बिल्ड मार देता हूँ दोस्तों मैं। हाँ बिल्कुल, कुत्ते मारते हैं जैसे सड़क पर चलते हुए अपन, वैसे ही मैं बिल्ड मार देता हूँ ऐसे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे मैं हर हफ्ते नई नई बिल्ड मारता रहूँ, तो दोस्तों इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलता हूँ मैं क्योंकि चलता हूँ मैं।